कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से प्रथम चरण का चुनाव है, ऐसे में बीजेपी जाटों को मनाने में लगी हुई है, क्या कुछ कहना है? हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में 25 करोड़ जनता हमारा परिवार है और 2022 के चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे लड़े जा रहे चुनाव और जनता समर्थन कर रही, माँ बहन किसान युवा और जितना काम माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुए और जितना काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुए, आज तक इतिहास में ऐसा कोई भी सरकार नहीं है जहाँ इतना काम हुआ हो। पिछली सरकार में गुंडा तंत्र था, माफिया तंत्र था, लोगों की गरीब किसानों की जमीन लूटने का काम करते थे, आए दिन बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी, आए दिन एक वर्गों को लोगों को हावी करने का काम करते थे। आज उत्तर प्रदेश राज्य में यदि कोई है तो शासन जो राम राज्य का शासन यदि कोई चलाने का काम कर रहे हो योगी आदित्यनाथ जी है और पूरे पश्चिम बेल्ट में हम भारी मतों से जीत के आ रहे हैं, कम से कम हम लोग 120 सीट वहां जीतेंगे। आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनका लगातार कहना है और कल उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने सीता और राम को दर्शाया है और मौजूदा सरकार पे आरोप उस गाने के जरिए लगाने का प्रयास किया है कि राम नाम पर जो है लूट की गई है। देखिए राम जी पूरे हमारे अस्तित्व है, हमारा इष्ट है और राम का नाम लेने के लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, सभी लोगों का राम है। हमारे जितने भी धर्म है, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, चाहे फारसी हो, चाहे हमारे सिख परंपरा में हो, सारे धर्म को कोई किसी को मान सकते, अच्छी बात है। हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे एक एक कार्यकर्ता करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के बलबूते पे आज उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देश की जनता की मांग थी राम मंदिर का निर्माण माननीय योगी जी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, अच्छी बात है। सभी लोग राम राम कह रहे हैं और कहना चाहिए, राम तो याद इनको आ रही है ना, अच्छी बात है। ये इनको सद्बुद्धि भी दे, मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ माँ जानकी से और प्रभु राम जी के चरणों से वंदन करती हूँ, इन पार्टियों को सद्बुद्धि दे ताकि ये विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभा सके। 2022 में पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता माँ बहन किसान नौजवान सभी 36 जात के धर्मों के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डरी हुई है जिसके कारण जो है मुजफ्फरनगर जाते समय उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोका गया। देखिए अखिलेश यादव जी हैं अपने आप में सबसे टैलेंट सबसे बुद्धिमान, उनको कानून और न्यायपालिका पे विश्वास नहीं करते ऐसे व्यक्ति हैं और प्रोटोकॉल के अंतर्गत टाइम लिए थे, एक टाइम होता है उड़ने की जहाज का टाइम था 12 बजे का और आप अपनी नवाबी अंदाज से 2 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं तो उनका प्रोटोकॉल था, फिर से परमिशन लीजिए आप, तो इसी कारण से उनको प्रोटोकॉल के अनुसार उनको रोका गया और रोकने कारण से अभी बीपी रावत जी का भी घटना घटी है, आपने देखे होंगे, ऐसा दोबारा कोई घटना ना घटे किसी देश में और इसी कारण से वहां के प्रोटोकॉल के अंतर्गत इनकी जहाज को रोकी गई होगी। परंतु उनको हर कमी में भी वो जब रात में सोते भी हैं तो भी उनको बीजेपी याद आती है, जब खाना खाते हैं तो भी बीजेपी याद आती है, जब वो कोई भी काम करते तो उनको बीजेपी ही याद आती है, अच्छी बात है। रिटायर्ड आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था, अमित शाह जो है गृह मंत्री अमित शाह जी मथुरा दौरे पर थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, एएनआई ने उस वीडियो को ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल से जिसमें वो पर्चे बांट रहे थे, तो सूर्य प्रताप सिंह का कहना है कि योगी अमित शाह जी जो है थूक लगा करके जो है कोरोना काल में कोविड नियमों का उल्लंघन कर, राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय नेता होने के नाते वो कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे थे, यदि कोई पन्ना पलटने में तो एक हमारे परंपरा ग्रामीण कल्चरों में आज भी यदि कोई पैसा गिनता है तो ऐसे कर लिया जाता है, तो उन्होंने किए, तो इसमें जो है कोरोना का बहाना ढूंढना और लोगों को गुमराह करना यदि कोई मिस्टेक हुई है तो यह विपक्ष अपना मिस्टेक देखे, वो भी तो
थूक लगा के लोगों को बहुत कुछ कर देते हैं, लोगों की गाड़ियां गंदा कर देते हैं, गुटखा खा खा के गाड़ियां सारे जगह थूक देते हैं। वो अपना देख लें, और हमारी राष्ट्रीय नेता के ऊपर जो आरोप लगा रहे ये बेबुनियाद आरोप है। हम लोग जब भी जाते हैं जनता के बीच में तो पर्चा बांटते हैं, तो पर्चा बांटने का काम किए अपने कार्यकर्ताओं को किए, उनके घरों में तो नहीं गए हैं ना, उनके उनके परिवार में तो हम नहीं गए थूक लगाने, और उनको थूक लगवाने का शौक है तो आ जाए, हम इतना थूक लगा देंगे जो वो भी याद रखेंगे। प्रथम चरण का चुनाव है मुजफ्फरनगर में, आप सूत्रों से जानकारी मिल रही कि आप जो है दौरे पर भी हैं। जी जी मैं जा रही हूँ, कल सुबह में प्रथम चरण के चुनाव में पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और मैं स्टार प्रचारक हूँ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सुनील बंसल जी के आशीर्वाद से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगी, और 2022 में हम योगी आदित्यनाथ जी के लिए हम लोग पूर्ण बहुमत से रात दिन मेहनत कर रही हूँ, जिला बाई जिला घूम रही हूँ, प्रथम चरण में जितना हो सके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट हो ये मैं मेहनत करूंगी। विपक्ष का कहना है कि जो है बीजेपी सरकार डरी हुई है, जिसकी वजह से अब वो जाटों को मनाने के लिए पश्चिम में लगातार दौरे पर दौरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, एक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारा परिवार है, हम एक एक लोगों को यदि कोई रूठ जाता है तो उसको मनाना हमारा कर्तव्य है। ये महापर्व है, और महापर्व के यह पावन ये इस पावन पर्व पे अपने को मनाया जाता है, और हम मनाने के लिए तत्पर हैं, और मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे, अपने अपने रूठे को मनाएंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है। यदि एक दूसरे परिवार में भाई बहन रूठ जाते हैं, माता से कोई पुत्र रूठ जाते हैं, पत्नी पति से रूठ जाते हैं, तो क्या मनाया नहीं जाता है, क्या उनको छोड़ दिया जाता है। हमारे देश की परंपरा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानती है, और इनको मनाने का हमारा कर्तव्य है, और 2022 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे फिर से। जय हिंद जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।